हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ज़ोंबी सर्वाइव टिल डाउन 2 में कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो और आप आसानी से चिकन डिनर ले सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 या 6 टिप्स बताऊँगा, जिससे आप हर यहाँ पर हर घर में आपके सामने कोई भी कितने भी बंदे हो, जहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहली टिप ये है मेरी तरफ से कि आप जब भी ज़ोंबी मोड खेलो तो आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कूल में ही उतरो, क्योंकि स्कूल में क्या है, आपको छुपने के लिए बहुत ज़्यादा जगह मिलती है और स्कूल खुल कैसा पूरा खुला एरिया होता है, जहाँ से आप ज़ोंबीज को भी आसानी से किल कर सकते हो। और मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि आपको स्कूल में क्यों उतरने को मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि स्कूल से आपको मतलब जो ज़ोंबी होते हैं वहाँ से आप बच सकते हैं। यहाँ पर एक सीक्रेट ऐसी जगह है जहाँ पर जाके आप छुप सकते हैं, और ज़ोंबी मतलब कौन सा भी सबसे बड़ा ज़ोंबी जो इसमें बॉस आता है वो भी आपको कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आपकी सबसे पहले यही ट्रिक है, मतलब टिप है, कि आप जो है स्कूल में उतरो, आप मतलब सर्कल जहाँ भी हो आपको स्कूल में ही उतरना है। ये मेरी तरफ से एक सबसे पहली टिप है। तो गाइस, मेरी तरफ से आपके लिए दूसरी टिप ये है कि आपको यहाँ पर आना है, स्कूल के इस लोकेशन पे आपको आना है, और आपको यहाँ से आप हर एक एनिमी को और हर एक ज़ोंबी को इजी किल कर सकते हो। स्पेशली आपको नाइट में यहाँ पे आना है, क्योंकि नाइट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़ोंबी आपको आसपास से घेर लेते हैं। तो गाइज़, वहाँ पर जाने के लिए आपको स्कूल की बगल वाली बिल्डिंग में आना है, और यहाँ से चढ़ना है आपको सेकंड वाले फ्लोर पर। दोस्तों, आपको यहाँ से सीधे सेकंड वाले फ्लोर पर जाना है, और आपको अंदर जाते ही यहाँ से इस खिड़की से आपको जंप कर लेना है, और आप यहाँ से आसानी से हर एक ज़ोंबी को किल कर लेना है। और आपको बस यही बता दूँ कि आपको जो है यहाँ से बच के रहना है सिर्फ एक ही ज़ोंबी से, जो पान थूकने वाला, गुटखा थूकने वाला होता है ज़ोंबी, जो आपको हरा कुछ तो फेंकता है, सिर्फ आपको उससे बच के रहना है। बाकी आपको कोई भी यहाँ पर छू नहीं सकता, और सिर्फ आप जो भी आपके ऊपर आए, जैसे कुत्ते उत्ते आते हैं इधर आपके ऊपर, उसे आपको मारते जाना है और आसानी से यहाँ से किल लेते जाना है। तो गाइस, तीसरी टिप जो है वो रोज़ॉक में बहुत ज़्यादा वर्क करने वाली है, आप इसे रोज़ॉक में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो कई बार क्या होता है, लास्ट सर्कल जो है स्कूल में तो नहीं आएगा, क्योंकि हर बार तो पबजी वाले स्कूल में तो नहीं लाएंगे लास्ट सर्कल, तो कई बार क्या होता है रोज़ॉक में भी सर्कल बन जाता है। तो आपको क्या करना है, इस घर में आना है। तो इस घर में आने के बाद देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर चढ़ने का ट्राई किया था, पर ये ऊपर कुछ तो होने के कारण, मतलब जो छप्पर है उसके कारण मैं ऊपर नहीं चढ़ सका। तो मैंने अभी एक दिमाग लगाया अपना और एक नई ट्रिक लगाई, तो आपको खिड़की पर आना है और यहाँ से यहाँ पे कूदना है। तो देखो गाइज, मैं अभी यहाँ पर आ सकता हूँ, और अभी मैं यहाँ से आसानी से किसी भी ज़ोंबी का किल ले सकता हूँ, और मुझे कोई मारने के लिए मतलब कोई छू भी नहीं सकता। तो ये बहुत ज़्यादा ऑसम ट्रिक है जो मैंने ढूँढी है। गाइज, इस चौथी टिप में मैं आपको एक ऐसे गन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आग उगलती है। गाइज, जी हाँ गाइज, एक ऐसी गन जो आग उगलती है, और इसके आग से क्या बताऊँ, जो जो ज़ोंबी आते हैं वो तो एकदम मतलब ख़त्म ही हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये गन स्पेशली इसी मोड में मिलती है। तो देखो गाइज, अभी इसका देखो क्या हाल होता है। तो गाइज, ये जो है गन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और मैं तो इस गन का फ़ैन हो गया हूँ। तो अगर आप इस मोड में आए तो इस गन को ज़रूर से ट्राई करना गाइज। ये गन आपको ज़ोंबी को मारने के बाद ही मिलता है, और उस इसमें जो डलता है, मतलब क्या डलता है इसमें, जो जो भी डलता होगा इसे, आप वो भी आप ज़ोंबी को मारने के बाद ही ले सकते हैं। अगर आपको इस गन का नाम पता है, और आप अगर ज़ोंबी मोड में इस गन से मतलब खेले हो, तो प्लीज़ मुझे इस गन का नाम कमेंट डाउन में बता दो। तो गाइज, आप अभी तक मतलब चौथी टिप तक अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते आए हो, तो प्लीज़ यार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना, बस नीचे दिए गए रेड बटन को दबाना है। तो प्लीज़ यार गाइज, पांचवी जो टिप है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, और आपको इस टिप से इतना फ़ायदा होगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। इससे आप एक भी ज़ोंबी, मतलब जैसे मैंने आपको स्कूल में बताया था कि आपको एक भी बंदा टच नहीं कर पाएगा, वैसे ही आपको इस मतलब इस मोड में भी, आप जो है इस टिप में भी, आप जो है एक ही बंदा आपको टच नहीं कर पाएगा। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। गाइज, इस टिप को आपको नाइट में यूज़ करना है, क्योंकि नाइट में आपको ज़ोंबी ज़्यादा हैंडल नहीं होते। तो देखो गाइज, मैंने क्या किया, बस इस रेड वाले घर में आया,
जो कि स्कूल अपार्टमेंट के साइड में या फिर किसी भी घर में, जहाँ पे भी आपका घर हो, रोजॉक हो, कोचिंग की हो, स्कूल हो, जहाँ पर भी आपका घर ऐसा दिख जाए आपको, तो बस आपको ऐसा या कोई भी, तो आपको बस उन जोम्बी का क्या करना है, आपको मतलब उनका रास्ता ब्लॉक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जैसे यहाँ पर आ गया हूँ, तो अभी देखो मेरे को एक भी जोम्बी मतलब कुछ भी मेरे पास भी भटक नहीं सकता और मेरे को आके टच भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं इस वीडियो में, देखो अभी जोम्बी आएंगे और वो मुझे छू भी नहीं सकते, देखो। तो गाइस देखो अभी जोम्बी आएंगे और मुझे मतलब टच भी नहीं कर पाएंगे और मुझे थोड़ा सा भी डैमेज नहीं दे पाएंगे। तो देखो गाइस अभी ब्लू जोन भी आ गया है यहाँ पे और आप अभी देखो आप, तो गाइस देखो अभी एक एक करके जोम्बी आ रहे हैं। तो देखो आप ये वो मतलब घर से मतलब वो जो है अपना गेट खोल के मतलब इधर आ ही नहीं सकते, जो कुछ ही जोम्बी है जो आपको कूद कर आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, बस आपको उन्हें गोलियों से मारते जाना है। अभी देखो अभी जो है वो जोम्बी आएंगे इस खिड़की से, देखो वो देखने की कोशिश करेंगे, मतलब वो यहाँ पर मतलब इस जगह पर आने की कोशिश करेंगे पर वो आ ही नहीं सकेंगे। बस आपको कुछ जोम्बी जो है कूदते हैं आपके ऊपर, उसे आपको अपनी गन से मार सकता है, जो कि ऑब्वियसली आप मार ही सकते हो। तो गाइस देखो अभी जोम्बी आ गए हैं और आप देखो इनका हाल देखो, अभी ये मेरी तरफ भी आ नहीं सक रहे, देखो इनका हाल देखो, बहुत बुरा हाल है क्योंकि ये मेरी तरफ आ ही नहीं सकते क्योंकि मैंने गेट से इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया है।